नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो विभागों के बीच उलझा फायर सेफ्टी एक्ट, 5 साल से कागजों में बंद, लागू होता तो नहीं होता हरदा जैसा हादसा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की जाने चली गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्रियों में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 10 साल में पटाखा फैक्ट्रियों में 14 धमाके हो चुके हैं, इनमें 180 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। खास बात यह है कि हरदा हादसे के एक हफ्ते पहले 23 जनवरी को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को एक नोटशीट भेजी थी, जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 विभागों के झगड़े के बीच फायर सेफ्टी एक्ट लागू ही नहीं हो सका है। झगड़ा इस बात को लेकर है कि फायर सर्विसेज का संचालन कौन करेगा, जबकि केंद्र ने साल 2019 में ही राज्य सरकार को मॉडल विधेयक भेज दिया था, इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली है। 2017 में बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सरकार ने विस्फोटक स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट लेवल सेल के गठन का भी ऐलान किया था। 7 साल बाद PSL एक्टिव नहीं हो सका। दैनिक भास्कर ने पूरे मामले की पड़ताल कर समझा कि आखिरकार मॉनिटरिंग सेल क्यों नहीं बन पाया और फायर सेफ्टी एक्ट लागू होता तो किस तरह हरदा जैसे हादसों को रोका जा सकता था। पहले बता दें, फायर सेफ्टी एक्ट क्यों लागू नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने 2019 में मसौदा तैयार किया, राज्यों को भेजा। केंद्र सरकार ने 2017 में अग्निशमन सेवा अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। विचार विमर्श के बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार कर केंद्र ने 16 सितंबर 2019 को सभी राज्यों को भेजा था। केंद्र की तरफ से भेजा गया यह मॉडल विधेयक था। इसमें भवनों को आग से बचाने के कई सारे प्रावधान किए गए थे। राज्य सरकार ने उसी साल अग्निशमन सेवा अधिनियम को अंतिम रूप दिया था, जिसे तत्कालीन नगरीय विकास व आवास विभाग के मंत्री ने मंजूरी दी थी और कानून विभाग को भेज दिया था। प्रमुख सचिव ने लिखी नोटशीट कुछ महीने बाद सरकार गिर गई। जनवरी 2020 में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव संजय दुबे ने गृह विभाग को एक नोटशीट लिखकर कहा था कि इंदौर, पीथमपुर और भोपाल के सरकारी भवनों में आग की रोकथाम के लिए पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ सभी संपत्तियों का हस्तांतरण नगरीय विकास विभाग को किया जाए। उस वक्त इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और कुछ दिनों बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार भी गिर गई। केंद्र का एक्ट लागू करने के बजाय भूमि विकास नियम को बदला। देश के कई राज्यों ने केंद्र के एक्ट को 2020 में लागू कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व से बने भूमि विकास नियम में संशोधन करने की महज औपचारिकता कर दी गई, जिसके तहत नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के साथ कुछ नई शर्तें शामिल कर दी गई। हमीदिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगी तो जाकी सरकार। 2021 में जब हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में बच्चा वार्ड में आग लगने की घटना हुई तो सरकार एक बार फिर जागी और सभी इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।